हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने जा रहे हैं जैंथन गम की। हम जानेंगे कि जैंथन गम क्या होता है, जैंथन गम का इस्तेमाल कहाँ होता है और जैंथन गम का यूसेज हम किस किस मटेरियल को बनाने में हम कर सकते हैं। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि SLES एसिड स्लरी का रेट कितना बढ़ता जा रहा है और ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग बात है कि हम अपने मटेरियल को प्राइस इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं, प्राइस को हम किस तरीके से कंट्रोल में रखें। दोस्तों, इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं जैंथन गम की और जैंथन गम आखिर क्या होता है और हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। आज बात करेंगे जैंथन गम के बारे में। दोस्तों, जैंथन गम का इस्तेमाल हम किसी भी लिक्विड आइटम को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जैंथन गम जो है बड़े ही आसानी से SLES और एसिड स्लरी के साथ वर्क करता है और अच्छा एक थिक मटेरियल बनकर सामने आता है। दोस्तों, SLES के साथ और एसिड स्लरी के साथ हम अगर इसे मिक्स करेंगे तो हमारे मटेरियल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और थिकनेस जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाती है। दोस्तों, जैंथन गम को हम कॉस्ट कटिंग करने के लिए यूज़ करेंगे। हम एसिड स्लरी या SLES का जो हम इस्तेमाल अपने मटेरियल में कर रहे हैं उसको हम कम कर देंगे और उसकी जगह हम जैंथन गम का यूज़ करेंगे। दोस्तों, अब अगर हम जैंथन गम का यूज़ कर रहे हैं तो हम ये सोचें क्या हमारे मटेरियल में थिकनेस वो आ पाएगी जो हम पहले SLES से ला पा रहे थे। क्या यह प्रोडक्ट हमारा मार्केट में चल पाएगा, क्या इसकी वजह से कोई समस्याएं तो नहीं होंगी। तो दोस्तों, आपको जैंथन गम की वजह से कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि ये फूड ग्रेड होता है। जैंथन गम का इस्तेमाल बहुत सारे खाने वाले मटेरियल में भी किया जाता है तो इससे आपको जैंथन गम से आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, थिकनेस आपको अच्छी मिलने वाली है। और हम ये जान लेते हैं कि जैंथन गम का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ और किस किस मटेरियल को बनाने में हम कर सकते हैं। दोस्तों, जैंथन गम का इस्तेमाल हम लिक्विड डिटर्जेंट बनाने में कर सकते हैं, हम डिशवॉश लिक्विड बनाने में कर सकते हैं, हम हैंड वॉश बनाने में कर सकते हैं, हम मैजिक पाउडर बनाने में कर सकते हैं। ये मतलब जहां हम SLES और एसिड स्लरी का यूज़ कर रहे हैं और हम थिकनेस वाली चीज़ों का को बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं तो हम वहाँ पर जैंथन गम को इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉस्ट को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं और एक कॉम्पिटिटिव प्राइस प्रोडक्ट हम मार्केट में बेच सकते हैं। दोस्तों, जैंथन गम के बारे में आपको मैंने इसलिए बताना उचित समझा कि आज कहीं ना कहीं सभी छोटे मैन्युफैक्चरर अपने प्राइस को लेकर कॉन्शियस हैं और वो बड़े परेशान हैं SLES और एसिड स्लरी के रेट्स को देखते हुए। दोस्तों, आप मेरा चैनल देखते रहिए और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, धन्यवाद।